बीती रात रीवा के अर्जुन नगर में एक कपड़ा व्यवसायी की हत्या कर दी गई। हत्या में एक लड़की सहित अन्य नाम भी आ रहे हैं। फिलहाल लड़की पुलिस की हिरासत में, पूछताछ पुलिस की जारी है। कपड़ा व्यवसायी की हत्या से इलाके में सनसनी का माहौल, लगातार आपस में लोग बात कर रहे, तरह तरह की बात निकलकर सामने आ रही। पूरे मामले को लेकर हमने कपड़ा व्यवसायी के कर्मचारी और पुलिस से बात की। हम आपको वो भी सुनाएंगे, घटना हत्या किस वजह से हुई। बीती रात लगभग 12 से 1 के बीच में अर्जुन नगर में कपड़े के बड़े व्यापारी की हत्या लड़की बनी कारण। रीवा शहर के अमहिया थाना अंतर्गत अर्जुन नगर में बीती रात कुछ लोगों ने एक युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक को संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। लड़का वहीं पर बेबी डाल गर्ल नाम से कपड़े की दुकान चलाया करता था, जिसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसका नाम वैभव बताया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजू सिंह गहरवार और मृतक दोनों के बीच दोस्ती थी। एक महिला को लेकर दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ। नतीजे के रूप में राजू सिंह ने अपने दोस्त और महिला मित्र के साथ मिलकर उसको जमकर पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल एक लड़की को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दो अन्य लड़कियों से फिर पुलिस पूछताछ कर रही है, जिनके बारे में कहा जा रहा वह भी मौके पर मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर राजू सिंह और उसके दोस्त की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। पूरे मामले को लेकर हमने CSP रीवा शिवाली चतुर्वेदी और लड़के जिसकी हत्या हुई है उसके दुकान में काम करने वाले लड़के से हमने बात की थी। पुलिस कह रही है हमने एक लड़की को फिलहाल हिरासत में लिया है, बाकी लोगों की तलाश जारी है। अन्य लड़कियों से भी पूछताछ की जा रही है, जो भी सामने निकल कर आएगा वो आगे चलकर बताया जाएगा। फिलहाल युवक की गिरफ्तारी, राजू सिंह नामक युवक की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कई जगह छापेमारी कर रही, लेकिन अभी तक उसको सफलता नहीं मिली है। को 12 बजे हुआ ये, मुझे एक कॉल आई, जिसने मुझे कॉल किया वो लड़का था बब्बू बजाज, रहने वाला है यहाँ का चिरहुला कॉलोनी का है वो लड़का, के अतुल जाओ देखो तुम्हारे सेठ जी का किसी ने मारपीट हुई है और उनको मारपीट के फेंक दिया, तुम देखो मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे। हमने बोला ठीक है, हम सो रहे थे तो उसने मुझे कॉल किया, तो मैं दौड़ते हुए गया तो वहाँ पे देखा तो वो पड़े हुए थे और वहाँ पे पुलिस वगैरह सब मौजूद थी। वहाँ पे होने के बाद फिर पुलिस वगैरह लोगों ने मुझसे पूछताछ की, फिर जो जैसा हुआ कि मतलब इसके आगे का मैटर क्या कैसे था, और राजू सिंह गहरवान ने उनको मारा और वहाँ पे लड़कियाँ, तीन लड़कियाँ थीं जिसका नाम एक बिट्टू तिवारी था और एक का नाम तनु सिंह गहरवार था और एक का नाम शिवानी वर्मा था थी। तो उसने उन लोगों ने कॉल करके रात को 12 बजे रात को उन्होंने कॉल करके बुलाया कि वैभव भैया हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, आप आइए और हमको उनसे मिलना है, आपसे थोड़ा काम है। तो उनको उन्होंने बुलाया है, बुलाने के बाद थोड़ी जो भी बिट्टू तिवारी ने उनसे बातचीत की है, उसके बाद बातचीत होने के बाद बिट्टू तिवारी ने लगता है 2-3 फुआके मारा है वैभव भैया को। तो वैभव भैया ने कुछ नहीं बोला, चलिए ठीक है आपने मारा ठीक है। फिर बैठ के जो बातें हो रही थी तो राजू सिंह बघेल ने आया और पीछे से डंडा मारना स्टार्ट कर दिया। एक और उनके साथ एक और लड़का था तो वो भी मारा और मारने के बाद निकल गए वो लोग। उसके बाद निकलने के बाद फिर बब्बू ने मुझे फ़ोन किया कि अतुल देखो तुम्हारे ऐसे ऐसे तुम्हारे मालिक के साथ हुआ है, तुम जाओ उसके पास और देखो क्या कैसा है। फिर हम भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो हमने देखा तो उनकी डेथ हो चुकी थी और ये सब हुआ। हाँ, पुलिस पहले से वहाँ पर मौजूद थी।
बस हो गया। हाँ, दूसरे लड़के का आरोपी का, मुख्य आरोपी का एक है राजू सिंह बघेल और एक है वो अजीत, उन्हीं का शायद गांव में रहने वाला लड़का है वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल कुमार विश्वकर्मा है। कल दिनांक को रात्रि में 1 बजे थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को कई सारे लोग मिलकर मार रहे हैं। सूचना पर हमारी चीता मोबाइल ने जाकर देखा, तस्दीक की, तो वहाँ पर एक युवक पड़ा हुआ मिला और साथ ही वहाँ पर कोई भी नहीं पाया गया। उसके बाद कुछ लोग थाने में रिपोर्ट करने आए कि उन्होंने बताया कि जो राजू सिंह करके है, एक राजू सिंह आरोपी और एक महिला, उसका नाम है बिट्टू तिवारी, ये महिला और ये राजू सिंह और उसका साथी, एक अन्य साथी जिसका नाम अभी ओपन नहीं है, तो इन लोगों ने मिलके उस लड़के को मारा है। और ये लड़का कपड़े का व्यवसायी था, इसकी दुकान थी बेबी डॉल गर्ल्स नाम से अर्जुन नगर में ही, और जिसकी मृत्यु हुई है। विवाद का कारण अभी प्रथम दृष्टया जो सामने आया है, जैसा कि लड़की ने पूछताछ में बताया है कि उसका और जो आरोपी राजू सिंह का रिलेशनशिप था, जिसकी खबर संबंधित मृतक द्वारा उसके परिवारजनों को दी गई थी, आरोपी के परिवारजनों को, उसी के कारण आरोपी ने गुस्से में आकर मृतक की हत्या कर दी। आरोपी पहले से शादीशुदा भी था? जी हाँ, आरोपी पहले से शादीशुदा भी था। गिरफ्तारी अभी महिला की कर ली गई है और आरोपी दो अभी फरार हैं, जिनके लिए टीम लगी हुई है, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी हाँ, अभी दो अन्य महिलाएं जो अभी नाम बता रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, जैसे ही तथ्य सामने आते हैं उससे अवगत करा दिया जाएगा।